केंद्रीय खेतीबाड़ी राज मंत्री रामनाथ ठाकुर एक्सक्लूसिव। सो किसानों दी समस्यावां दा गलबात राही ही हो सकता हल। किसानों ने खेतीबाड़ी मंत्री नूं कोई भी चिट्ठी नहीं दिती। फसलों के घट्टो घट समर्थन मुल के बारे फैसला लै सकती है सरकार। सो देश की आजादी दे विच वड्डा योगदान पंजाब दे किसानों दा है। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री रामनाथ ठाकुर जी, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार में हैं। तो पंजाब में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो उसको लेकर भारत सरकार क्या करने जा रही है, उनसे बात करते हैं। तो मंत्री जी, जो किसानों का पंजाब में आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर से, पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो भारत सरकार क्या सोच रही है कि कैसे उसको हल किया जाएगा? मेरी अपने निजी राय है कि संवादहीनता के चलते वार्ता नहीं हो रही है। संवाद होना चाहिए, किसानों का कष्ट सुनना चाहिए और उनको उचित जो मांग है उस मांग पर विचार करना चाहिए। और भारत सरकार ने, आप देखे होंगे कि पहले दिन 10 तारीख को MSP बढ़ाने का काम किया। पहला दस्तखत प्रधानमंत्री जी का किसानों के लिए 2000 रुपया पर किसान जो गया उसके लिए हुआ। तो संवादहीनता नहीं होनी, संवाद होना चाहिए और अच्छे किसानों को मानना चाहिए और इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए। संवाद बनेगा तो संवाद के लिए किसान तो कह रहे हैं कि आप इनवाइट कीजिए, वो आने को तैयार है। भारत सरकार कोई पत्र जारी करे, वो आने को तैयार है, वो तो संवाद करने के लिए तत्पर है। अब आप उनकी बात बोले जी। अभी तक कृषि मंत्री जी को या हम लोगों को अभी तक कोई पत्र नहीं गया है जी कि उनकी क्या मांग है, हम क्या करना चाहते हैं, हम इस तारीख को आना चाहते हैं, ये अभी तक नहीं गया। तो उनसे कहिए, मेरी तरफ से नहीं, उनको कहिए कि संवाद करें और जो मांग है भारत सरकार निश्चित रूप से उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। तो MSP की जो मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस कार्यकाल तो में ये तो आना चाहिए कि हम इसको नहीं मानते हैं। हमने जो किया है, भारत सरकार ने जो किया है उसको स्पष्ट कहना चाहिए कि हम इसको नहीं मानते हैं, हमारा ये शर्त है। वो तो सर बार बार यही कह रहे हैं कि 23 फसलों पे हमें MSP चाहिए, क्या आप देने के लिए कोई ऐसा प्रावधान हो रहा है? ऐसा है कि हर एक परिवार में जो बच्चे होते हैं पर्व त्यौहार में जितनी मांगें मांगते हैं, क्या हम पूरा करते हैं? नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार की जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो ताकत है, जो अर्थ व्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के मुताबिक ही ना भारत सरकार कोई निर्णय करेगी जी। हम किसान के हक में हैं, किसान के प्रति हमारी सहानुभूति है, किसान को का कोई अहित नहीं हो उसके प्रति भारत सरकार सचेत है। तो जो ये हम किसान भाइयों से यह निवेदन करते हैं कि वो संवाद करें और अपनी बात रखें। तो आप इनवाइट कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनको संवाद के लिए? संवाद के लिए हम कैसे इनवाइट करें? उनको वो ना बैठे हुए हैं जी। पहल तो उनकी तरफ से होनी चाहिए ना जी, हमारी तरफ से तो कोई है नहीं। मैंने हम तो उनका जो कष्ट है, उसको कष्ट को कैसे दूर किया जाए जी, इसके बारे में सोचेंगे, भारत सरकार सोचेगी जी, चौहान साहब सोचेंगे, हम सोचेंगे जी, और एग्रीकल्चर से जो संबंधित लोग हैं वो सोचेंगे जी। हाँ, जिद को हटना चाहिए और संवाद को रखना चाहिए और जिसमें भारत सरकार का मान प्रतिष्ठा भी रहे और किसान का भी मान प्रतिष्ठा रहे। तो आपको लगता है कि ये जल्द ये जो किसान धरने पे बैठे हैं वो हट जाएंगे?
मेरा तो निवेदन होगा आपके माध्यम से कि हटना चाहिए और संवाद होना चाहिए अपने मांगों पर, संवाद में कमी नहीं होनी चाहिए। तो संवाद के लिए पहल किसानों की तरफ से होनी चाहिए। हाँ, जरूर। हमारी जो स्थिति है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो क्षमता है, हमारा जो ऊर्जा है जी, हम किसानों के प्रति हैं जी। देश की आजादी में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। अगर किसान नहीं बचेंगे जी, तो हम आप थोड़ी कहीं बच सकते हैं, नहीं बच सकते जी। इसलिए उनके प्रति पूरी सहानुभूति है जी। पूरी सहानुभूति है कि उनका जो कष्ट है वो कष्ट को दूर किया जाए जी। ये थे केंद्र सरकार में मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, जिनका कहना है कि संवाद से ही समस्या का समाधान हो सकता है। किसानों को संवाद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है उनका कल्याण चाहती है, किसी प्रकार की कोई रफ नहीं चाहती है। तो किसानों को सरकार तक बातचीत के लिए पहल करनी चाहिए, उसके बाद सरकार जो है उनकी समस्याओं को हल करने को तैयार है। कैमरामैन अमित के साथ दुर्गेश गाजरी, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।